بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه وجل ذكره وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بزم جلالیہ رضویہ جو مرکز صراط مستقیم اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور
कि स्टूडेंट्स की नुमाइंदा तंजीम है, उसके ज़ेर इंतज़ाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आज की अज़ीमुश्शान सालाना शहादत सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस और पीर तरीकत शेखुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम मशदी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ के सालाना उर्स के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। एलामिया इस वक्त एक तरफ रवाफिज के लिहाज से है और दूसरी तरफ खवारिज और नवासिब के लिहाज से, और हुसैनियत यही है कि बर वक्त आवाज़ बुलंद की जाए और फिर उस पर डट के पहरा दिया जाए। इल्ज़ाम लगाने पर तो कोई किसी पर राफजी होने का इल्ज़ाम लगाता है तो कोई किसी पे खारजी होने का इल्ज़ाम लगाता है, वो तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ज़ुबान अब सोशल मीडिया की वजह से हज़ारों ज़बानों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन एक उसूल भी है कि जिस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है असर हाजिर में उसका उन लोगों के साथ उठना बैठना दोस्ती का ताल्लुक है या उनके खिलाफ बरसरे पैकार खड़ा है। पॉलिसी बताती है, अमल बताता है। मसलन मैं आज जो एक एक लफ्ज बोल रहा हूं तो उसमें मेरे बचपन से लेकर आज तक मुझे अपनी जिंदगी का हर दिन सामने रख के बोलना है। मेरे क्लास फेलो भी बैठे हैं, मेरे असातिज़ा सुन रहे हैं, हम असर हैं, सब हैं कि ये जो तुम कह रहे हो तुम्हारी अपनी जिंदगी में तो तुमने ऐसे किया था फला मौका पर और आज तुम ये फतवा दे रहे हो। और अगर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा और यकीनन नहीं मिलेगा तो फिर लाह अमल एक दिन का देने के लिए पूरी जिंदगी की किताब सामने रखनी पड़ती है, जो सुबह कहीं हो शाम कहीं हो, या चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, या चढ़ते सूरज को सलाम करना पॉलिसी हो, या मजमा देखकर गला साफ करके उसके मुताबिक तकरीर कर देनी हो, तो फिर मसलक या मिल्लत की तर्जमानी नहीं हो सकती। आज अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत को इस वक्त जरूरत है कि कोई उनकी रहनुमाई करे। कुछ लोग बड़े बेकरार हैं कि हम उन्हें मुबारकबाद दें, कुछ पर तोड़ रहे हैं कि हम उनकी हिमायत का ऐलान करें, लेकिन इस वक्त जिनको कायद होने का दावा है वो सारे चुप का रोजा रखे हुए हैं, और उधर से जो नाबालिग नजरियाती लोग हैं, बालिग नहीं नाबालिग, जिनकी फिक्री विलादत हुई चंद साल पहले है, वो उनके साथ अपने नजरियाती इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं। तो एलामिया का एक हिस्सा तालिबान के बारे में अहले सुन्नत व जमात की पॉलिसी का ऐलान है और जिसके एक एक लफ्ज पर आखिरी सांस तक पहरा देना है इंशाअल्लाह। ये साइड खवारिज और नवासिब वाली, दूसरी रवाफिज वाली है। हमारी नजरिए की जंग दलील की रोशनी में इस्लाम के गलबा की खातिर हर बातिल से है। हम जिन्हें राफजी कहें सबूत देंगे कि वो रवाफिज की बोली बोल रहे हैं, हम जिन्हें नवासिब या खवारिज कहें सबूत देंगे कि ये उनके घर से तलाशी के बाद बरामद हुआ है। लेकिन जो चोर चोरी कर रहा हो और हम उसको कहें तुम चोर हो तो वो आगे से शोर मचाए तुम भी तो ऐसे हो, तो सिर्फ शोर ना मचाए। खवारिज और नवासिब से यारी की कोई दलील भी तो थे। मेरी विलादत से लेकर आज की इस घड़ी तक
और इस वक्त जो मैं ऐलान कर रहा हूं खवारिज और नवासिब के मुकाबले में, किसी दूसरे का भी तो दिखा दो। या इनके पहले दौर में मैंने फतवा दिया था गोजरांवाला मरकज सिरात मुस्तकीम रजाए मुजतबा के अंदर अलल ऐलान और उस पर दलायल दिए थे, बड़े बड़े बाद में फतवे पे आए, हम उस पर अपना इल्मी मौकिफ पहले दे चुके थे। तो इसलिए आप सुने या ना सुने, सुनने वाले कई हुक्मरान कई मुल्कों के, वो सवाद आजम पाकिस्तान का मौकिफ जानने के लिए बिल्कुल अलर्ट होके एक एक लफ्ज सुन रहे हैं और इंशाल्लाह सुनेंगे। खा वो ईरान हो, खा अफगानिस्तान हो, खा पाकिस्तान हो, और खा पेंटागन में बैठा कोई शैतान हो, रवाफिज ने इस साल तौहीन करने की हद कर दी। तौहीन सहाबा रदी अल्लाह ताला अनहुम भी की और तौहीन अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अनहुम भी की। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अनहुम में अजवाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अनहुन्ना की तौहीन गंदे लफ्जों गंदे जुमलों से की, और पंच तन पाक की तौहीन अपने गुस्ताखाना तरीके से की। आज अगर मुल्क की मुक्तदर कुव्वतें इस सिलसिले को नहीं रोकेंगी तो कल ऐसा रद्द अमल आ सकता है कि जिसको रोकना किसी के बस की बात ना हो। मेरे पास एक लिस्ट है, हुकूमत चाहेगी तो हम उसके वीडियो क्लिप पेश करेंगे, इस साल के खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम, सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, मुकद्दस शख्सियात के बारे में गुस्ताखाना चाकिंग दीवारों पे की गई, सोशल मीडिया पे गई गई, मजालिसे मुहर्रमुल हराम में की गई, शैतान सिफ्त जाकिरों के दौड़ों में की गई। बाज जगह एफआईआर कटी, बाज जगह वो भी नहीं कटी, और कितनी एफआईआरें पहले कटी हुई गुस्ताखों की सर्दखाने में हैं, और वो गुस्ताख फिर गुस्ताखियां कर रहे हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत से बार बार ये है कि जिनकी एफआईआर नहीं कटी और हमारे अवामे अहले सुन्नत को दबाया जा रहा है, वो एफआईआर काटी जाएं, और जहां कटी हुई हैं उन बघौड़ों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ताजा गुस्ताखियां कसूर, चकवाल, गुजरात, सखर, हैदराबाद, कराची और दीगर बहुत से इलाकों के अंदर ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी गालियां बकी गईं उन मुकद्दस हस्तियों को कि जिनको कुरान जन्नती कहता है और ये जहन्नमी कुत्ते उन हस्तियों को भौंक रहे हैं, उनके बुद्धू अवाम ही नहीं, उनके जाहिल जाकिर ही नहीं, बल्कि उनके बाद शैतान सिफ्त लीडर, यहां तक निस्तर पार्क के अंदर वो कातिबे वही अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को भौंकते हुए नजर आए। क्या ये हुकूमत यूं सोई रहेगी? अमन अमन की रट लगाने वाले सरकारी पालतू उलमा मुख्तलिफ मसालिक के क्या अपने पेट जूही वजीफों से भरते रहेंगे? और अगर लावा फट गया गैरतमंद मुसलमानों का तो फिर तख्त नशीन जो हैं उन्हें तख्ता नशीन होना पड़ जाएगा। लिहाजा हमारा मुतालबा है, हुकूमत आंखें खोले, अंधी ना बने, गूंगी ना बने। जब वीडियो सबूत मौजूद हैं, वो एक नाम का नकवी, वो शैतानों का शैतान सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ निस्तर पार्क में जब बक रहा था तो काम मरे हुए थे इदारे, उसको निकलते हुए ही उस कुत्ते को
गले में रस्सी डाल के क्यों नहीं खींचा? हमारा सवाल है हुकूमत से, ये किस चीज की हुकूमत है? और साथ जुल्म ये है, इमाम आली मकाम की विरासत हुसैनियत है, आज हुसैनियत को छोड़ के यजीदियत का नाम हुसैनियत रखा जा रहा है। इस धांधली को रोकना भी हुकूमत का काम है। काम यजीदों वाले और नारे हुसैनियत के एक मखसूस फिरके ने इस साल कसरत से मोहब्बत अहले बैत का सबूत देने के लिए पुतले बनाए, मुकद्दस नफूस के पुतले बनाए, मुजस्मे बनाए, खाके बनाए, और खाकम बदहन माजल्ला सुम्मा माजल्ला स्टेज ड्रामों की नक्काली में वाकया करबला के माकबल और मा बाद के मंजर को फिल्माया। मस्तूरात अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की शबीहें बनाकर कुछ चलती फिरती औरतों की उन्हें धक्के मारे, कुछ मुकद्दस नफूस के इंसानों में से जिंदा लोगों में से किरदार बनाकर उनके गले में रस्सियां डाल के खींचा। बुरे काम पर लानत उस वक्त के जो ये काम कर रहे थे, उन लानतियों के लिए ही काफी नहीं, आज उसकी नक्काली करके लानत लेने की क्या जरूरत है? किसी की मां बहन की छवि बनाकर, सिर्फ तस्वीर बनाकर, सिर्फ खाका बनाकर उसके बारे में महज मामूली सा इल्जाम कोई खाके में बनाए तो वो अपनी गैरत से उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये कमीने गलियों में, चौकों में, बाजारों में आइम्मा अहले बैत के किरदार फिल्मों जैसे लोगों में से पेश कर रहे हैं, और फिर इन्हें वो कोड़े मारने वाले कहां से मुयस्सर आए? मैं पूछता हूं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो को इनकी उन ड्रामाई फिल्मों के अंदर कोड़े मार रहा है, जीता जागता बंदा, इन्होंने वो उधार कहां से लिया है? सदियों बाद साबित हुआ कि खुद ही किया था और खुद ही पीटना शुरू कर दिया। उस काम के लिए हायर सुन्नी नहीं किया गया जिसको इन्होंने यजीद बनाकर पेश किया, शिमर बनाकर पेश किया, वो इन्हीं का कोई कारकुन है। और उधर मेरे हुसैन की तो कोई मिसाल नहीं। जालिमों कहां से मिसाल ले आए हो? यह है तौहीन अहले बैत बशक्ल मोहब्बत। और यह सिलसिला पहले पाकिस्तान में कम था, जब से इराक में हुकूमत बदली, वरना 10 मुहर्रमुल हराम को मैं भी इराक में था, मैं भी करबला में था, मैं भी कई दिन सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और शहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम के इज्तिमाई मजारात पर बैठ रहा। सिर्फ ये जो झूठ बोलते हैं कि जमीन सुर्ख होती है, ये होता है, वो होता है, हर चीज देखने के लिए, जब वहां एक सद्दाम था, किसी की मजाल नहीं थी कि हाथ सीने पे मारे, उठा भी नहीं सकता था मारने के लिए। और अब रास्ते खुले और कुछ हुकूमत की बगलों में बैठे राफजियों ने कोटे मंजूर करवाए ईरान और आगे इराक। अब इस साल वो ईद गदीर इनकी हो या हदीस गदीर या आयत मुबाहला, इन सब पर इन्होंने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजल्ला खाके बनाए। इनमें और फ्रांस के शैतानों में क्या फर्क बाकी रहा? और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत स्टैंड ले। मैं दलाल देता हूं कि अगरचे किसी और बुरे मकसद के लिए तस्वीर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना भी बनाई जाए, जिस तरह के वो शैतान यूरोप के बना रहे हैं,
जिहाद के खिलाफ कोई बात करने के लिए कोई अच्छी नीयत से बनाए, कोई किसी सीरत के पहलू को सामने रख के बनाए, फिर भी 100% तौहीन है और उसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हुकूमत ने फौरन इन गुस्ताखाना कार्रवाइयों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके सजा ना दी तो गली गली के अंदर जब किसी मुसलमान के सामने ये इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा की छवि बनाकर किसी कमीने को उन वो चादर खींचने का मंजर पेश करते हुए देखा गया तो ये याद रखो वो जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हें तो कोई नहीं छवि मानेगा सैयदा ज़ैनब की, मगर जो कर रहा है उसकी बोटियां कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा फसाद जिससे पूरे इस्लाम की इमारत पे हमला हो रहा है और इसको वो लोग मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं, ये तौहीन अहले बैत है और इससे बरात का ऐलान करें उनके वडेरे। और साथ ये जो धांधली हो रही है कि बुग़्ज़े सहाबा को मोहब्बत अहले बैत बताया जा रहा है, बुग़्ज़े सहाबा मोहब्बत अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले बैत जो मोहब्बत सहाबा के साथ इकट्ठी हो सके उसे मोहब्बत अहले बैत कहा जाता है। इस बुनियाद पर ये कानून और ये तमाम तर जो तकाजे हैं एजेंसियां इदारे और हुकूमत इसकी तरफ देखें, बयक वक्त तूफान नहीं आता, कई हंगामे पीछे छुपे होते हैं तो अचानक तूफान आ जाता है और फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यामत तक के लिए बातिल कुव्वतों के खिलाफ और बातिल निजाम के खिलाफ जिहाद का लाहे अमल हुसैनियों को अता कर दिया है और हमें वो लाहे अमल सनद से मिला है। हमारी सनद यहां से लेकर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हसन, हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम तक और फिर दरबार रिसालत तक मुत्तसिल है। हमें हुसैनियत भी मुस्तनद मिली है। करोड़ों सलाम हो हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज हजरत अकदस हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशादी कुद्दस सिर्रुल अजीज, हमें हुसैनियत उन्होंने बताई है और सनद हमारी अल्लाह के फजल से मुत्तसिल है। हुसैनियत ये नहीं कि गुरु नानक के नशीनों को बुलाकर मसनद हाफिजुल हदीस पर बिठा दिया जाए। हुसैनियत नहीं ये कि वो हुकूमत जिसको दुनिया में पाकिस्तान के इस्लामी तशख्स के खिलाफ हर कोई बहुत बड़ा हमला करार दे रहा है और उनके करतूत सबके सामने हैं, उनके वजीरों को गुमाश्तों को उनके साथ अलग से अलग रखी जाए, उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें की जाए। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। इस्लामिया का दूसरा हिस्सा अकायद आमाल पर मुकदम है और हम अहले सुन्नत व जमात हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी हजरत इमाम अबुल हसन अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बाद बिलउमूम और बरसगीर पाक व हिंद में पैदा होने वाले कलामी और एतिकादी मसाइल में बिलखुसूस मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज की तालीमात और तशरीहात के पाबंद हैं। सुलह कुल्लियत और लिबरलिज्म
का रोग आम होने की बुनियाद पर कुछ नापुख्ता फिक्र कारकुनान अपने मसलकी उसूलों से अदम वाकफियत की बुनियाद पर दूसरे मसालिक के साथ नजरियाती उनके इत्तिहादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मौजूदा हालात में एक मखसूस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग यानी तालिबान बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान पर गलबा पा चुके हैं। अब ऐसे मौका में बहुत से लोग पर तोल रहे हैं कि उनको मुबारकबाद दी जाए, उनके साथ दोस्ती बनाई जाए, उनके हलफ की तकरीब में शिरकत की जाए, उनकी हिमायत की जाए। तो मैं उन लोगों से ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों को अपने अकाबरीन के मोतकदात बिलखसूस आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज के फतावा हुसामुल हरामैन को सामने रखना चाहिए, और साथ ही साथ इन्हीं तालिबान के अकायदो नजरियात और माजी के इनके किरदार बिलखसूस इब्तदाई तौर पर इनको मुजाहिदीन और फिर दहशतगर्द करार देने वाली अमरीकी पॉलिसी का भी बगौर मुताला किया जाए। वैसे तो चढ़ते सूरज को सलाम करना अक्सर लोगों का आम वतीरा बन चुका है, और चलो तुम उधर को हवा जिधर की तहसीन पसंद लोगों का दस्तूर हयात करार पाया है, मगर ये हरगिज अकलमंदी नहीं। जिस लाया गली उसे नाल चल ली, क्या भूल गए हो डॉक्टर सरफराज नईमी के खून को? क्या भूल गए हो उस अजीम शख्सियत पीर समीउल्लाह चिश्ती को कब्र से निकाल के जिनके जस्द खाकी को लटकाया गया? क्या भूल गए हो मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी और दीगर शहदाए आले सुन्नत बलोचिस्तान को, उलमाओ बशाके आले सुन्नत सैकड़ों और हजारों वो लोग जिनका तल्लुक अवाम से था या सिक्योरिटी फोर्सेस से था? अरे क्या भूल गए हो जिन फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेला गया? क्या भूल गए हो फतवे के पाकिस्तान के बैंक लूट लिए जाएं? ये माले गनीमत है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं। क्या वो कोई जिन्नों की मखलूक थी जो ये फतवे देके गायब हो गई थी? नहीं, यही लोग थे। आज मुबारकबाद देने वाले पहले अपने शहीदों की रूहों से तो पूछें, आज मुबारकबाद देने वाले दाता गंजे बख्श अजवेरी के दर पे जो धमाके हुए, बाबा फरीद के दर पे जो धमाके हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी के दर पे जो धमाके हुए, बड़ी इमाम के दर पे जो धमाके हुए, उनका चैलेंज किसने दिया था? उनकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? क्या हाफजा कमजोर है लोगों का, या ये कि उनके पास अब डंडा आ गया है? याद रखो, मोमिन डंडे की वजह से किसी को नहीं मानता, मदनी एजेंडे की वजह से मानता है। इस बुनियाद पर ऐसी सूरत हाल में अगर किसी वतन पे कब्जा कर जाना किसी कुव्वत को हटा के, ये कब्जे ये मेयार हक है, तो फिर एक दूसरे मुल्क में भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ईरान पर कब्जा रवाफिज ने किया, तो क्या कब्जा मेयार हक हुआ? ईरान पर रवाफिज का कब्जा मेयार हक नहीं, अफगानिस्तान पे खवारिज नवासिब का कब्जा मेयार हक नहीं। हक ये है कि कलमा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी ने क्या किया? इमाम हुसैन से पूछ लो, अल कामिल में वो खुतबा जो मैदान करबला में दिया था सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, उसमें आपने फरमाया मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,
انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو. اہل سنت کا دعویٰ تو تمہیں پتہ کتنے لوگ کرتے ہیں. رجسٹریشن ہم نے کرائی وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. ایک زمانہ پہ اہل سنت والجماعت, اور اب یہ نئے آنے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت. دیر آر ڈاکومینٹس آف اہل سنت. اہل سنت ہونے کی کوئی شرطیں ہیں؟ کوئی ڈاکومینٹس ہیں؟ دکھاؤ تو صحیح. تم کیسے اہل سنت ہو؟ کیا تم فکر بابا فرید کے وارث ہو؟ کیا تم فکر مجدد الفیصانی کے وارث ہو؟ کیا تم فکر گنج بخش کے وارث ہو؟ کیا تم فکر غریب نواز کے وارث ہو؟ یہ بر صغیر پاک و ہند اور ان ایریاز کے اندر تو سنی کی شناخت انہیں ناموں سے ہوتی ہے. لہذا دعویٰ نہیں دلیل چاہیے, اور ساتھ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے افکار سے حاصل کردہ کشید کردہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی. تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں, قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں, اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں, رشید گنگوئی کے فکر پہ نہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں. اور میرے جیتے ہوئے اگر کوئی دھاندلی کر جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گواہ ہوں, میں نے انگلی پکڑ کے سب کو چلا کے تحریک کا رستہ دکھایا. مجھ سے پوچھو یہ فکر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل جو پکی ہوئی آج کئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور ان کا دل للچا رہا ہے, کاش یہ سارے میں لپیٹ لوں. اس کی پنیری میں نے تو امام احمد رضا بریلوی سے لی تھی. تو امام احمد رضا بریلوی کے دشمنوں کو جو امام احمد رضا پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگا کر اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں, اشرف آصف جلالی زندہ ہے, ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے. فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں. کچھ لوگ بڑی بھونڈی بھونڈی دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کیونکہ فلاں فلاں قبر پہ کھڑا تھا, کوئی فلاں ادھر گیا ہوا تھا. اس سلسلہ میں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے. اگر طالبان کی قیادت اپنے عقائد کی وضاحت کرتی ہے ہم وضاحت لینے کو تیار ہیں. وہ بتائیں اپنے عقائد, وضاحت رکھیں ہمارے سامنے تو ہم پھر ترازو پہ تولیں گے. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ترازو لیں گے, ہم حضرت مجدد الفیصانی کا ترازو لیں گے, ہم امام فضلہ خیر آبادی کا ترازو لیں گے, ہم امام احمد رضا بریلوی کا ترازو لیں گے, ہم سیدنا پیر میر علی شاہ کا ترازو لیں گے رحمت اللہ علیہم. ایسے اکابر کے ترازو پہ تولیں گے. اگر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ صحیح ہے تو ہماری کوئی ضد نہیں, لیکن ہم محض کوئی پروف ہی نہ ہو, کوئی دلیل ہی نہ ہو, کوئی ثبوت ہی نہ ہو اور دوسری طرف وہ خود بولیں, ان کے استاد بولیں, ان کو اپنے مسلک کی ڈگری دینے والے بولیں,
तो क्या सुन्नी ऐसा है कि खामखा किसी को जाके चिपट जाए कि मेरी भी मुबारकबाद ले लो? हां, जब दिन आया कोई मुबारकबाद का तो फिर मुबारकबाद आले हक जब गालिब आए तो देंगे। इस वास्ते ये इस वक्त का कर्ज था ये जुमले। अब यकीनन मुझे उम्मीद है हजारों लोग ये दोहराएंगे, हजारों खतीब ये बोलेंगे। मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, उन्हें बोलना चाहिए। ये गवाही है वक्त की। ये तो चंद दिनों की गर्द है, पर्दा हटेगा तो अचानक पीछे करोड़ नजर आएगा कि ये क्या ड्रामा था, क्या हुआ था। लिहाजा सुन्नी अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये नहीं कोई राफजी दौड़े सुनाए तो उसी के साथ, कोई खारजी वरगलाए तो उसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नियों, आज के इस इज्तिमा में ऐ नौजवानाने इस्लाम, मैं शेर की बोली में मुख्तसर सी बात तुम्हें एलामिया की बता देता हूं। पंज तन के मुरीद हो जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि पहले नहीं है। यह दिन सिरात अल मुस्तकीम नमाजी भी तो कहता है, पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। चार यारी ये मसदर है, चार यारियत पंजाबी का, चार यारी। पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। कोई ना भौंके नबी की अजमत को, को तुम सारे शहीद हो जाओ। ये है सुन्नियत और ये है हुसैनियत। पिल पिलाइयत हुसैनियत नहीं, तफजीलियत हुसैनियत नहीं, राफजियत हुसैनियत नहीं, खारजियत हुसैनियत नहीं, नासबियत हुसैनियत नहीं। हुसैनियत सुन्नियत का दूसरा नाम है। ये तो मैंने आपसे कहा, अब कुछ यजीदों से भी कहता हूं। हर जमाने में यजीद होते हैं, फिर इलाका वाइज यजीद होते हैं, यूसी लेवल से लेकर सूबाई और कौमी हलके तक, और फिर मुल्क मुल्क में। यजीदों से कह दो पैगाम मेरा, याद रखना ये खिताब आपसे नहीं उनसे है। हम साथ रहेंगे पाकों के, पाकों के अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सिहाबा अहले बैत रदी अल्लाह ताला अनहुम आइम्मा मुताहरीन, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम नहीं, मुंह किसी तरफ कर लो निशाना रखना है तो। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। तुम जमीर का मर्जे याद रखना है। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर, खा तुम सारे यजीद हो जाओ। लिहाजा यजीदों से घबराहट नहीं कि वो कहें हमारे तो भी और भी यजीद है, बड़े सैंपल हैं हमारे पास यजीदों के। हम हुसैनी रहेंगे आखिर तक। हाथ उठाओ, करबला का तसव्वुर करो। सैयदना इमाम हुसैन सैयद शुहादा रदी अल्लाह ताला अन्हो, शहीद जिंदा और तबिंदा है, और सैयद शुहादा जिंदा और तबिंदा है। हम मरकज सिरात मुस्तकीम से अपने इमाम के सामने यह हलफ उठा रहे हैं
हम हुसैनी रहेंगे ताखिर, हम हुसैनी रहेंगे ताखिर। अब दूसरों को कहते हैं खा तुम सारे यजीद हो जाओ, जमाने में जो हुसैनियत के दुश्मन हैं। तो इस बुनियाद पर ये हमारा मुख्तसर सा एलामिया है। सारे हजरात दुरूद सलाम का नजराना पेश करें, और वो जो सामने दुरूद लिखा है ये दुरूद इस तरह पका के जाएं कि फिक्र मुस्तकीम मन कुन तो मौला हो फाली मौला, इसके जेरे साया बैठकर सुन्नी कैसे दुरूद पढ़ता है, और इस दुरूद के ऊपर खिलाफत राशिदा और ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म मासूमियत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हुसैनियत का सबक है आज के वक्त का, इसे याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ताज़ा मनकबत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, फातह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, फातह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, है आज भी उरूज पर हिम्मत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, ये है मसला लानत। अकाबिर का फतवा भी सलामत और अपना जौक भी सलामत, कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है, कातिल पे जिसने किया जिसने तावुन किया जिसने कहा, कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला। हुसैनियत निभाना बहुत मुश्किल है, दौरे जुल्मत में हक परस्तों की बात रहती है सर नहीं रहता। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला, कहती है मुझको रात दिन निस्बत हुसैन की। जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, जब भी कहीं से मुझ पे, क्योंकि यजीदों की कई किस्में हैं, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूबतर। सारे देहात अच्छे हैं, सारे शहर अच्छे हैं, और नजरिया पाकिस्तान पे बनने वाला मुल्क बहुत अजीम है, और सरजमीन हिजाज सरजमीन करबला बड़ी बड़ी अजीम सरजमीनें हैं, सरजमीन बगदाद। लेकिन एक सरजमीन बिक्की भी है, बिक्की शरीफ। यह अपना कोई जोर बाजू नहीं कि विलादत उस नगर में हुई कि जहां हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब कुद्दस सिरुल अजीज ने अभी होश भी नहीं संभाला था मैंने कि मुझे हुसैनियत की घुट्टी अता फरमा दी थी। ई सादत बाजोरे बाजू ने ता ना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूबतर। किबला वालदे गिरामी नहायत अलालत के बावजूद कितने घंटे बैठे रहे, यानी चारपाई पे घर दो चार मिनट लेटते हुए बड़े मुश्किल से इतनी बीमारियां इकट्ठी हैं गुजारते हैं, मगर आपने देखा कैसी रूहानी महफल सजी। और अभी कारवाने सुखन मदीना मुनव्वरा की तरफ जारी है, मुझे लेकर हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पास
एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, सैकड़ों बार पहुंचे। हालांकि मेरे भाई मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी, पूरा पूरा देहात क्रॉस करके हर नमाज तरावी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के जेरे साया तरावी के बाद वो नूर व निकहत की महफल सुबह शाम, यानी अभी मैंने बाकायदा पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अक्सर वक्त मेरा महफिल हाफिजुल हदीस में गुजरता था। यानी यहां तक कि जब अभी मैं बिल्कुल छोटा था कि बड़ों पर तो पाबंदी है कि हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह अपनी निशिस्तगाह पे तशरीफ लाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, लोग मिलेंगे, मैं उस उम्र से जलाली हूं कि अभी बिल्कुल छोटा सा 3-4 साल का था कि घर जाना भी मेरे लिए कोई शरी रुकावट नहीं थी। उस वक्त का अंदाज़े हाफिज हदीस भी मुझे याद है। आसिफ मिली नसीब में गुट्टी वो खूब तर, आती है दम बदम मुझे निकहत हुसैन की। निकहत प्यारी खुशबू को कहते हैं। और साथ ही कहता हूं एक दूसरी मनकबत से, नुक्ता शनासे कारे नबुवत मेरे हुसैन। माना बहुत गहरा है, लेकिन पिछलों के लिए भी कुछ छोड़ेंगे कि वो गहराई बयान करें। नुक्ता शनासे कारे नबुवत मेरे हुसैन, नाना के दीन के लिए इज्जत मेरे हुसैन, सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद, सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद, हर सुबह नौ में लेकिन सलामत मेरे हुसैन, सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद, हर सुबह नौ में लेकिन सलामत मेरे हुसैन, चंद लम्हे इक्तिदार के पाए यजीद ने, चंद लम्हे इक्तिदार के पाए यजीद ने, लेकिन है बादशाह ता क्यामत मेरे हुसैन। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लेकर मकाम तक थोड़ा सा सफ़र। और ये मैं अपने मुबल्लिगीन उलमा खुतबा जो हमारे शर्फ तलम्मुज़ वाले हैं या शर्फ अकीदत वाले हैं और इसके अलावा मुतलक अहले सुन्नत के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वाकया करबला का उतना हिस्सा बयान करो जितना किसी दलील से साबित है। झूठ तो किसी आम बंदे की तरफ मनसूब करके बोलना भी नाजायज़ है बड़ा, और फिर अहले बैत अतहार की तरफ मनसूब करना, यानी आज तो माज़ल्ला वो लफ्ज़ तो मैचों के लिए बोला जाता है शहादत के उस वाक़या के मुनासिब नहीं, लेकिन ये जो इन लोगों ने बनाया हुआ जिस अंदाज में कि जैसे माज़ल्ला डायरेक्ट कमेंट्री कर रहे हैं साथ साथ खड़े थे, वो कितना बदबख्त रावी था जो देखता तो रहा मगर आगे बढ़ के उसने जान नहीं दी अहले बैत के लिए। जितना मुस्तनद ज़राए से है वो बयान करो, फजाइल बयान करो, कुरान बयान करो, सुन्नत बयान करो, घड़ घड़ के उनकी तरफ ऐसी चीजों की निस्बत ना करो कि कल वो तुम्हारे मुंह पे मारें कि ये तुम हमें क्या कहते रहे हो। असल ये रवाफिज ने सिलसिला शुरू किया और हमारे यहां ये दौड़ लगी हुई है कि जी अपने आवाम को मुतमईन करना है तो हम भी उन्हीं की तरह करें। अगर इस फलसफे पर चलते रहो तो वो तो बड़ी तरक्की कर गए हैं बेहयाई में, बड़े जरी हैं अहले बैत अतहार के बारे में, उनके जलसों में तो अहले बैत की मुताहरात ख्वातीन बना के धक्के मारे जाते हैं, क्या तुम भी कल ये काम करोगे।
वो तो कुफर बकते हैं, कुफर बोलते हैं और ड्रामाई अंदाज में फिल्माते हैं इस वाक्य को। तुम लफ्ज में तसव्वुर पेश करते करते दौड़ में तो कल कहोगे, अब लोग ये तो सुनते ही नहीं कि लफ्जों में ये हमें बताना पड़ेगा कि ये यजीदी खड़े हैं, ये हुसैनी खड़े हैं, ये जंग होने वाली है और मजमा देख रहा है। खाकम बदहन, ये नौबत आ जाएगी अगर आज स्टैंड ना लिया गया। हमारे जहां पहले 10,000 दुश्मन हैं, 20-25,000 और हो जाएंगे। हमें अल्लाह ने इस कदर इत्मीनान दिया है कि अपनी पॉपुलैरिटी और मकबूलियत को बचा बचा के रखने की कोई फिक्र ही नहीं। बिगाड़ मैं देख रहा हूं, अब कुछ चैनलों पर कुछ संजीदा लोग भी पीछे आग की थोड़ी छोटी वो अंगीठियां रख के और धुआं और ये और वो यहां तक तो पहुंच आए हैं। अब आगे घोड़े दौड़ाना और किसी पे यजीद को बिठाना, किसी पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाना और यूं दिखाना, इसकी तरफ सफर जारी है। खुदारा उलमाए अहले सुन्नत, आज स्टैंड लो। तुम्हारा ये काम नहीं कि अवाम की मानो, तुम्हारा ये काम है कि अवाम को हक मनवाओ। अगर अवाम का देखना है, कई कमेटियों में लोग बैठे हैं जलसा कराने वाले, कई तंजीमों में बैठे हैं, कई महलों में बैठे हैं और कई वजीफा खोर हैं रवाफिज के, जो उस तरह के कलाम पढ़ते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, खुद रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीन है और नाम उसका मोहब्बत अहले बैत दिया गया है। इस वास्ते किताब से हट के, किताबी मुस्तनद ये नहीं है कि कहो अल खतीब में लिखा है, अल मवाइज में लिखा है या मुस्तनद वाला मैंने आप पढ़ा है। यहां हक तो बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है। उस दश से कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, पेड़ों से जहां किरने छिन के नहीं आती, तो उस गली में दाखिल क्यों होते हो जहां अगला रास्ता मालूम ही नहीं है। ठीक है, तरन्नुम से बोल लो, अशार शरीयत के जो मुताबिक है वो पढ़ लो, मगर बैनों वाला अंदाज ना अपनाओ, क्योंकि सेम वही सूरत आ रही है और उसमें आगे कोई दीवार नहीं कि रुक जाओ, जो आए हैं आज यहां कहीं आगे चले जाएंगे 2 साल बाद। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। अब मैं किताबी शान आपके सामने बयान करता हूं। अल बहरु ज़ख़ार, मुसनद बज़्ज़ार, और जरा हो जाओ तैयार। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई। इब्ने असाकिर ने जिल्द नंबर 2 के अंदर इस हदीस को रिवायत किया। अन अलीयन रदी अल्लाह ताला अन्हो, अब बात हुई, ये कहता है आवाज आई, दूसरा कहता है रो के आई, तीसरा कहता है सब की आई, चौथा पूछता है किसकी, कहता पता मुझे भी नहीं, मैं कहता हूं आवाज आई किसकी, मौला अली की आई रदी अल्लाह ताला अन्हो। और ये सनद लिखी हुई है। अन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो काला लम्मा वोलेद अल हसन, उससे पहले भी मुकम्मल सनद है, जब सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई, समैतुहु हरबा, मैंने उनका नाम हरब रखा, जंग जिसका माना है। एक हदीस में जाके इसका सबब भी जिक्र आता है, क्योंकि दूसरे शहजादे की विलादत हुई तो उनका भी रखा, तीसरे की विलादत हुई तो उनका भी हरब ही रखा, क्यों इतना पसंद था। कहते कुन तो उहिब्बो अन उक्तना बी अभी हरब, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मुझे ये पसंद बड़ा था कि मेरी कुनियत अबुल हरब हो,
جنگوں والا جنگ جو حرب و ضرب سے میری دلچسپی تھی تو اس لیے میں بیٹے کا نام حرب رکھتا کہ مجھے ابو الحرب کہا جائے۔ تو کہتے ہیں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف لے آئے، فقال ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ ما سمیتموہ، تم نے کیا نام رکھا ہے ان کا؟ قلنا حربا، ہم نے تو حرب نام رکھا ہے۔ قال بل ہوا حسن، حرب نہیں حسن۔ اب یہ ہے اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا علی نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ فلما ولد الحسین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، سمیتو حربا، میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ یعنی یہ اجتہاد تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے شایان شان تو حرب نہ ہو اور ان کے شایان شان حرب ہو تو اجازت مل جائے۔ کہتے ہیں میں نے حرب رکھا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لے آئے، فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سامنے کیا، فرما کیا نام رکھا ہے؟ اب اگر مومن ہے تو کیا ان لفظوں میں حسنین کریمین کی شان تھوڑی ہے کہ انہیں دیکھنے کون آئے، انہیں ابنی کس نے کہا، میرا بیٹا میرا بیٹا، اور پھر ان کا نام کس نے رکھا؟ آگے حدیث آئے گی، نام بدلنے کیا حکم کس نے دیا؟ ارونی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ ما سمیتموہ، قلنا حربا، ہم نے کہا حرب۔ قال بل ہوا حسین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس طرح کی تقریر پہ اگر کوئی پیسے نچھاور نہ کرے، بلکہ وہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، سر والی ہو تو پھر بھی، تو کیا حرج ہے؟ اور اگر کوئی لوٹ پوٹ نہ ہو اور نعرہ نہ لگائے تو کیا حرج ہے؟ سرکار کی بتائی ہوئی شان سے بڑی شان کون سی ہو سکتی ہے؟ اور مولا علی کی روایت کردہ شان اپنے شہزادوں کے لحاظ سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اگر خطیب علماء ہی قوم کا مزاج بگاڑ دیں، نہیں عوام نہیں خوش ہوتے، تو پھر امام عوام ہیں یا تم ان کے امام ہو؟ حدیث شریف میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما ولد الثالث، جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے، سمیتہ حربا۔ یہ سینکڑوں کتابوں میں تیسرے شہزادے جو ہیں ان کو بھی ذکر ہے، میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ قال بل ہوا محسن، حسن حسین محسن، رب وہ تو محسن ہیں۔ ثم قال سمیتہم باسماء ولد ہارون، میں نے اپنے بیٹوں کے نام ایک عظیم پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھے۔ اب اس پر اگلی حدیث پیش کرنے سے پہلے روافض کے ایک بہت بڑے اعتراض کی یہاں گنجائش بنتی ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ معاذ اللہ، یہ جو مجالس ہوئیں آپ 80% تقریباً دیکھ لیں، انہوں نے یہ بک بک ضرور کی ہوگی کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ تشدد کیا، گھر کا دروازہ جلانے آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسا ہوا، اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھیں، اور جو تشدد کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاذ اللہ، تو بیٹا ضائع ہو گیا۔ یہ جھوٹ کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور پھر کہیں گے یہ تیسرے شہزادے کا ذکر تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہم دکھاتے ہیں تمہاری کتابوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، میں دکھاتا ہوں ہماری کتابوں میں ہے، بالیقین تھے
लेकिन ये तो सरकार की मुबारक जिंदगी जाहिरी में ही पैदा हो गए थे। दरो गोरा हाफिजा ने तुम साबित करना चाहते हो कि तीसरे थे और जब विलादत हुई सरकार दुनिया से जा चुके थे और विलादत का वक्त करीब था और माजअल्लाह उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तशद्दुद किया और हमल जाया हुआ। ए कमीनों तीसरे थे मगर इनकी विलादत नाना जी के होते हुए हुई, इसलिए सरकार खुद ही मुअज्जिन नाम रख के तशरीफ ले गए। इस बुनियाद पर यानी तीसरे छोटी उम्र में उनकी वफात हो गई, विसाल हो गया विलादत के बाद। और मजीद उनके बारे में तफसीलात हदीस में नहीं मिलती क्योंकि उम्र बहुत सी मुख्तसर पाई, लेकिन यह साबित हुआ कि वो थे और यह भी साबित हुआ कि मौला अली के घर में सईदा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे और यह भी साबित हुआ कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनका नाम भी रखा था, गुट्टी भी अता फरमाई थी। अब ये बात सामने रखते हुए नाम पर थोड़ा सा मजीद बताना चाहता हूं। यह तहजीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी की, इसमें नामों के बारे में तबसरा है। ये उसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर इन्होंने इब्न आराबी से उन्होंने मुफद्दल से यह रवायत किया है। अब ऐसी बात कम अज कम ये आइम्मा इनके लिहाज से जो इनका मुशाहदा और मुताला है उनको तो दरमियान में जामिन बनाए। ये कहते हैं इन्नल्लाह ताला हाजबा इस्मल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लेकर सैयदना इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुमा की विलादत तक पूरी इंसानियत से हसन हुसैन ये दोनों नाम बचा के रखे, महजूब रखे। किसी को ख्याल ही नहीं आया अंबिया शुहदा सिद्दीकीन सुलहा, किसी की अप्रोच ही नहीं हुई। ये है जगाना इमाम हसन और जगाना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम। कहते हैं हत्ता सम्मा बिहिमन नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नई है अल हसन वल हुसैन, और यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वही से बताया कि इन शहजादों के नाम तो कितनी सदियों से महफूज रखे हुए हैं। आज लोग सरकार की मिसल ढूंढते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की जात तो क्या, उनके नाम का अंदाज देखो। और यहां फिर इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एतराज भी किया और उसका जवाब भी खुद दे दिया कि यमन में इन नामों के मिलते जुलते नाम पाए गए थे, तो आपने उसकी वजाहत की कि वो ये नाम नहीं थे, यानी हसन नहीं था किसी का नाम, सीन के सुकून के साथ हसन, और दूसरी तरफ हुसैन नहीं हसीन। यानी ये जो पूरी तारीख इंसानियत से ढूंढकर यमन में दो बंदों के नाम किसी ने पेश किए, तो इमाम नववी ने कहा नहीं, इनकी तो बात ही नहीं, ये और नाम हैं, और हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और नाम हैं। या हुसैन। अब इस पर मुसनद इमाम अहमद में मजीद वजाहत है, और यह हदीस शरीफ जो है मुसनद इमाम अहमद की जिल्द नंबर 1 में सफा नंबर 437 पर है, और इसके रावी भी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं लम्मा वोलेदल हसन, दूसरी जो हदीस मैंने पहले बयान की वो मैंने भी कई बार बयान की है, यकीनन आपने भी सुनी हुई होगी, ये मैंने पहली बार
देखी और पहली बार बयान कर रहा हूं। लम्मा वोलेद अल हसन, जब इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अनु की विलादत हुई तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं सम्माहु हमजता, उन्होंने उनका नाम हमजा रखा। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंदीदा नाम बताए उनमें से एक नाम हमजा है। इतना आला नाम, और वो आला नाम ही रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना, यानी इस हदीस के मुताबिक तत्बीक दोनों हदीस में किसी दूसरे मौजू में करेंगे, दोनों बरहक हैं। आपने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। मौला अली खुद कहते हैं दआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा भेजा और फरमाया इन्नी उमिरतु अन उगैरा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ये नाम बदलूं। हुक्म किधर से दिया गया? अल्लाह की तरफ से। अब हरब तो आम नाम है, हमजा तो बड़ा खास नाम है, लेकिन अपने तौर पर हमजा भी जब रखा गया तो रब्बे जुल जलाल ने वाहज की कि महबूब ये जिसको हमजा कह रहे हैं उसका नाम हसन रखो। और दूसरा मौला अली कहते हैं मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उनके चचा जान हजरत जाफर के नाम पे रखा, इमाम हुसैन का नाम जाफर रखा। तो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर, हदीस में लफ्ज इकट्ठे हैं कि फरमा इन्नी उमिरतु अन उगैरहा इस्मा हसन, मुझे ये दोनों नाम बदलने का हुक्म दिया गया है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते फकुल तो अल्लाह व रसूलहु आलम। यह है मकामे अली, यानी आज एक फिरका मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को यूं बयान करता है जैसे खाकम बदहन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तो फैली हों, और फिर कहते हैं असल में वाहय उनकी थी और फरिश्ता भूला, और कुछ कहते हैं कि नबूवत मुश्तरका थी, पार्टनरशिप थी, और इसको कहते हैं हम अली वाले हैं, हम मोहब्बत अली वाले हैं। कायनात में जिसे जो शर्फ मिला वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला। अब मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये भी नहीं कहा कि मैं इनकी अम्मी जान से तो जाके मशवरा कर लूं। इतना अपने उमूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किए हुए थे, कहा अल्लाहु व रसूलहु आलम। सारे बोलो अल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाहु व रसूलहु आलम। के बिन बाज ने, सऊदी अरब का बिन बाज यहां बड़ी बाजी मार गया, उसने लिख दिया बुखारी की शरह के हाशिए में कि अल्लाहु आलम कहो, रसूलहु आलम ना कहो। तो हम बिन बाजी नहीं, हम अली वाले हैं। अल्लाहु व रसूलु आलम। महबूब आप जानो, आपका अल्लाह जाने, अल्लाह जाने आप जानो, जिस तरह चाहते हो। फसम्माहुमा हसनम व हुसैना। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हसन और हुसैन रखा, यानी ये मामूली नाम नहीं, इनके नामों पर वहय उतरे और तब्दीली अच्छे नामों को भी रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म आए। और मकाम बयान करना हमारी बसात में नहीं, लेकिन दो बड़ी शख्सियात के हवाले से इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो का इल्मी मकाम बताना चाहता हूं, और दोनों मुनफरिद किस्म के हवाले हैं।
ये चीजें लोगों को बताओ, भंग के घोटे और दमन छेड़ने और ये वो क्या क्या खराफात, और जो कुरान और सुन्नत के अंदर है उससे लोग बेखबर, तो सरकार कितने नाराज होते होंगे कि इनकी तो ये शाने हैं, ये कैसे मेरे आशिक हैं, मेरी बताई हुई शाने ने पसंद ही नहीं, और ये कहीं और से जाके शाने ढूंढते और पत्थरों से चूसते फिरते हैं। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़ुबान से ये तारीख दिमश इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 13, इससे मैं सिर्फ दो हवाले पेश करके अपना मौजू समेट रहा हूँ कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के करोड़ों वली किसी एक सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकते, लेकिन वो सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम इन अहले बैत अतहार का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे, और इनका कितना इल्मो मार्फत का अंदाज था। पहला हवाला ये है मुख्तसर मकाम के लिहाज से, हजरत मुद्रिक अबू ज़ियाद कहते हैं कुन्ना फी हीतान इबन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बागात में हम मौजूद थे कि वहां पर सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। कहते हैं जिस वक्त, अब मैं इख्तिसार कर रहा हूं, फरागत हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इन सब ने सुम्मा काम उठे फतवद्दाउ वुजू किया, सुम्मा कुद्दिमत दाबतुल हसन, तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की सवारी किसी ने गुलाम ने पेश की कि आप उसके ऊपर बैठें। फअमसक लहू इब्न अब्बास बिर्रिकाब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हेब्रुल उम्मा उन्होंने आगे बढ़ के उस खादिम से रिकाब पकड़ ली सवारी की, यानी एक लगाम है एक रिकाब है जिस पे पांव रख के तो ऊपर जीन के सवार बैठता है। अब इब्ने अब्बास खानदान नबूवत के फर्द, इतना बड़ा इल्मी मकाम, इस तरह अपने हाथों में रिकाब रख के झुके हुए हैं कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो रिकाब पे पांव रखें और सवार हो जाएं। कहते हैं कि वसव्वा अलैहे, सवारी को पुरसुकून किया, रकाब सामने रखी और मुकम्मल सवारी का जायजा लेकर के किसी तरह कोई हचकोला ना लगे, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को उस पे सवार किया। सुम्मा जिया बेदाबतिल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की सवारी लाई गई। फअमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब वसव्वा अलैहे, तो वहां भी है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रकाब हाथों में थाम ली, झुक गए और उनके कदमों के करीब उस रकाब को थामा हुआ था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कदम रखें और सवारी को मुकम्मल पुरसुकून किया हुआ था। ये प्रोटोकॉल दोनों शहजादों ने कबूल किया, यानी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ये नहीं कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हारी इतनी बड़ी शख्सियत है और इतना बड़ा इल्मी मकाम है तुम ऐसा ना करो, उन्होंने वो प्रोटोकॉल कबूल किया और सवारी पर वो भी सवार हो गए। जिस वक्त फलम्मा मदाया वो दोनों शख्सियात चली गईं, मुद्रिक अबू ज़ियाद जो रावी हैं
जो सारा मंजर देख रहे थे, जो कई घंटों की नशिस्त थी और फिर अब रुखसत हो रहे थे, कहते हैं कुल तो मैंने सवाल किया। ये जो अब तो सियाफी होते हैं ना, ऐसे मौके पर सवाल करते हैं, तो उस वक़्त के खादिम ये काम कर लेते थे और आज भी दरवेशों को ऐसी आदत है। यानी वो जब चले गए तो कहते हैं मैंने ये सवाल किया, अंत अकबर मिनहुमा, इब्ने अब्बास आप तो इनसे बड़े हैं, इन दोनों हस्तियों से आप अकबर हैं, आप असगर नहीं, और अदब आपने वो किया जो कि असगर करता है, इसका सबब क्या है? यह है शान हसनैन करीमैन जो सनद से आई। कहने लगे तुमसे को लहुमा व तुसवी अलैहिमा, आपने सारा खादिमों वाला काम किया, कभी लगाम पकड़ी, कभी जीन सही की, और कभी फिर रकाब हाथों पे रखे, ऐसा क्यों किया? फकाल या लुका अतद्री मन हाजान, लोका का एक माना अच्छा है और वो अच्छा माना ही हम करते हैं। लोका का माना है मुन्ने, ये बच्चों को मुन्ना नहीं कह दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोका कहा, छोटा बच्चा, प्यार से मुन्ना। दूसरा माना वो ना वहां मुराद है ना यहां, अलोका ए मुन्ने अतद्री मन हाजान, तुम जानते हो ये कौन जाते हैं, ये शख्सियात कौन है? मैंने इनके चेहरे को सामने रख के किसका अदब किया? मैंने इनके कुर्ब में बैठ के किसकी खुशबू सूंघी? मैंने इनको खुश करके किस जात की खुशी हासिल की? अतद्री मन हाजान, फिर खुद ही जवाब दिया, कहा जाने अब ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये आम किसी के बेटे नहीं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं। अवलैसा हाजा मिम्मा अन अमल्लाहु अलैया बिही अन उम्सिका लहुमा व उसव्विया अलैहिमा, फरमा जिनके ये बेटे हैं क्या उस जात का इब्ने अब्बास पे कोई एहसान नहीं? क्या उन्होंने उनकी वजह से उनके सदके इब्ने अब्बास को ईमान नहीं मिला? इब्ने अब्बास को क्या इनकी वजह से इल्म नहीं मिला? इब्ने अब्बास को मशरक व मगरब में उम्मत में मकाम क्या इनकी वजह से नहीं मिला? कहा जो कुछ इनके नाना जी ने मुझे दिया है वो तो है ही बहुत कुछ, ये तो कुछ भी नहीं जो मैं ये अदब कर रहा था। मैं इनके नाना जी के एहसानात को सामने रख के रकाब थाम रहा था और ये खिदमत कर रहा था, क्योंकि इनके नाना जान के मुझ पर कहीं ज्यादा एहसानात हैं। अब महफिल में जब किस्सा बयान करते हैं वाकया करबला, तो ये खटमल इब्ने अब्बास को भी गालियां देते हैं और लोगों के जहनों में डालते हैं कि इनकी आपस में दुश्मनी थी। अब लिखी हुई बात पढ़ें तो फिर वो दुकानदारी नहीं चलती। इनका तो बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत थी। अब चलो अब्दुल्ला बिन उमर के पास चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके पास एक शख्स आया और वो सवाली था, लेकिन वो पहले इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, फिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, और दोनों से फारिग होकर फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आया। ये जिल्द नंबर 14 है इब्ने असाकिर की और सफा नंबर 174 है। मुजाहिद कहते हैं जा राजुल इलल हसन वल हुसैन, मुजाहिद जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स आया
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس. فسالہما فقالا, دونوں نے اسے پہلے تبلیغ کی, یعنی جو حق بنتا تھا اس وقت بولنے کا کہ بکاری بننا, منگتا بننا, یہ کن شرائط پر جائز ہے, ورنہ بھیک مانگنا جائز نہیں, یہ مسئلہ بتایا اور پھر عطا بھی فرما دیا. یہ نہیں کہ صرف مسئلہ بتا اور کہا چلے جو اب مسئلہ بتا دیا ہے. یہاں لکھا ہے, کہا تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کریں, کوئی بہت زیادہ کنگال ہو چکا ہو قرضے کی وجہ سے اور حد درجے کا محتاج ہو, اور ایسے ہی اسے کسی کی دیت دینی پڑی ہو, اپنے خاندان کے کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور یہ عاقلا میں تھا, اس نے دیت دی. اور ویسے تو مانگنا جائز نہیں. یہ کہنے کے بعد فاعطیا ہو, یہ پوری صرف پڑی ہو تو مطلب آئے گا, آتا ہو نہیں آتا یا ہو, دونوں اماموں نے اس کو دیا, اس کی مالی مدد کی, مسئلہ بھی بتایا. ثم اتبنا عمر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا. فاعطاہ ولم یسأل, انہوں نے پیسے تو دیے مگر ساتھ شرطیں نہیں بتائیں کہ مانگنا کس حالت میں جائز ہوتا ہے. اس زمانے کے منگتے بھی عجیب منگتے ہوتے تھے, تو منگتے نے سوال اٹھایا. فقال له الرجل اتیت ابن امک, یہ ہیں صحابہ کی رشتہ داریاں اور ادب. کہا ابھی کچھ وقت پہلے میں تمہارے دو کزنوں سے ملا ہوں, تمہارے چچا کے دو بیٹوں سے ملا ہوں, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادوں سے ملا ہوں. تو انہوں نے فسألانی, میرے حالات پوچھے, مجھے حدیث سنائی اور پھر مجھے دیا. وَأَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي, آپ نے پوچھا کچھ بھی نہیں. یعنی اتنا ڈفرینس بھی اس وقت نوٹ کیا جاتا تھا, اور ظاہر ہے کہ سوال کیا تو سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے. انہوں نے تو مجھ سے پوچھا بھی اور پھر حدیث بیان کی, آپ نے میرے مانگنے پر مطلقاً پیسے دے دیے ہیں اور ساتھ پوچھ کے حدیث نہیں بتائی. فقال ابن عمر, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر, انہوں نے کہا, کہاں میں اور کہاں وہ ہستیاں. قال ابن عمر ہما ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں, وہ اللہ کے آخری رسول کے بیٹے ہیں. انہما کانا یغران بالعلم غرا, یہ ہے کئی گھنٹوں کی شان سے بڑا جملہ, اور وہ بھی جو صحیح ہو. اور یہ جو لائیو کمنٹری ہے اس کی تو بات نہیں, یا پھر خانہ ساز شریعت میں گھڑ گھڑ کے فضائل. اب یہ معنی سمجھانا پڑے گا, لیکن پہلے آپ لفظ پکا لیں. انہما کانا یغران بالعلم غرا, تو اسے کہتے ہیں تقریر سننا. اب میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی سرزمین پہ مرکز صراط مستقیم میں بیٹھ کر شاید میں آج پہلی مرتبہ اس ملک میں محرم الحرام میں یہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے بڑے بڑے پڑھے ہوئے بندے ہیں, کسی کا انکار نہیں, لیکن یہ آپ نے اپنے طور پر جائزہ لینا ہے. ہم تازہ تازہ پھل لوگوں کو کھلاتے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے, حافظ الحدیث کا فیض ہے.
یغرانی بالعلم غرا. اب یغرانی کا معنی آپ نے بلا تشبیہ و تمثیل چڑیوں کو دیکھا ہوگا جب گرمی کے موسم کے آغاز میں بچے نکالتی ہیں تو بچوں کے منہ میں آ کے چوگ دیتی ہیں, چوگ دینا, اور وہ چوگ دینے میں کتنی سیریس ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے لے آتی ہیں اور اس میں انہیں کتنا چین ملتا ہے اور کس حد تک وہ فیاض ہوتی ہیں. عربی زبان میں اس عمل کو غرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے, اے سائل ان کا کیا کہنا, وہ تو لوگوں کو علم کے لقمے دیتے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کسی سے مانگ کے لینا, وہ سوچے پھر نکالے پھر دے. کہا ان کے ہاں علم میں اتنا مد و جزر ہوتا ہے, ان کے فیوض و برکات علم کا چشمہ اس قدر چھلکتا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ فوراً لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اس قدر وہ حریص ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے, لوگوں تک علم پہنچے, لوگوں تک سنت پہنچے, لوگوں تک شریعت پہنچے, لوگوں تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, طریقت پہنچے. یہ ان کے کثرت علم کی بنیاد پر ان کا تو کام ہی یوں علم کے لقمے دینا ہے. لہذا مجھے ان پہ قیاس نہ کرو, رب نے ان کو منفرد علمی شان عطا فرمائی ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جن جن باتوں کی نسبت وہ کمینے کرتے ہیں, جو شریعت سے بغاوت, قرآن سے بغاوت, سنت سے بغاوت, جس کا ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم. آج کے موضوع کا آخری حوالہ, وہ بھی لمبا ہے لیکن اس کو مختصر کر رہا ہوں, اسی جلد میں صفحہ نمبر 183. ایک شخص تھا بہت بڑا خارجی, خارجیوں کو علم کی خارش بہت ہوتی ہے, خارجی تھا, نام تھا نافع بن ازرق, اور اس کے نام پر خوارج کا پورا فرقہ ہے. یعنی خوارج کے جو اندر فرقے ہیں ان میں پورا یہ فرقہ ازرقیہ اس کی ابے کے نام پر بنایا گیا, ابن ازرق. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے علم میں, اور بڑے بڑے لوگ آ کے سوال کرتے تھے, اس نے کہا تفت الناس فی النملہ والقملہ. ابن عباس یہ تم کیا لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہو, کبھی چیونٹی کے بارے میں, کبھی جوں کے بارے میں, کوئی پوچھنے والا مسئلہ جو ہو وہ بھی تو بتایا کرو, بتانے والا. یعنی اپنی طرف سے بڑا بحر العلوم بن کے تو کہا یہ چھوٹے 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 مسئلے کیا تم بتاتے ہو, میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ. کیا ان کو توحید کے لحاظ سے بڑا گمنڈ ہوتا ہے خوارج کو, کہتا ہے صف لی الہ کا, یہ چیونٹی جوں کو چھوڑو اللہ کی شان مجھے سناؤ. صف لی الہ کا لذی تعبدو, یعنی یہ اہمیت دلائی کہ کتنا اہم مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں, جس رب کی بندگی کرتے ہو اس رب کا مجھے تعارف کرواؤ. فاطرق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے, یعنی کہ آتا نہیں تھا سوال کی اہمیت کے پیش نظر کہ شروع کہاں سے کروں, آپ نے یوں سر جھکایا کہ میں کہاں سے شروع کروں. اعوام لقوله, کہ بات توحید کی کرنی ہے. وکان الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جالسن ناہیا, اور اسی دربار میں سائیڈ پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونق افروز تھے.
فقال الی یبن الازرق, اے نافع بن ازرق میرے پاس آ, میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ہے راجاتا سوال, اپنی طرف متوجہ کر لینا. آج تو یہ ہے نا سب ایسے موقع پہ چپ سرکار بن جاتے ہیں, کیونکہ جڑا بولے اوا کنڈا کھولے. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کے دیکھو, مولا علی کے بیٹے کا علم, شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھ سے پوچھو. اور وہ بڑا کھمچر تھا, اگر کھنچر کا پتہ نہیں تو کھڑ پینچ تھا, اگر کھڑ پینچ بھی نہیں تو گرو گھنٹال تھا یا پھر دھرتی دکیل سنگھ تھا اپنے مسلک میں بنا ہوا. تو وہ کہتا ہے لستو ایاک اسالو, میں نے آپ سے نہیں پوچھا. یہ اس طرح کے بھی مناظر ہوتے ہیں. اب اگر تو علم کا متلاشی ہے تو وہ تجھے بلا رہے ہیں, کہتا نہیں 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 میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں, میں کیوں آؤں آپ کے پاس, میں نے تو ابن عباس سے پوچھا ہے, میں نے ان سے جواب لینا ہے. جس وقت اس نے یہ کہا قال ابن عباس, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے یبن الازرق انہ من اہل بیت النبوۃ, تجھے پتا نہیں تجھے بلایا کس نے ہے, انہ من اہل بیت النبوۃ وہم ورثۃ العلم. کہا یہ ہیں اہل بیت نبوت, ان کو ورثے میں فدق نہیں, سرکار نے علم دیا ہے. کہا شکر کر اتنی بڑی علمی شخصیت نے تجھے قبول کر لیا ہے کہ تو سوال کرے, مجھ سے بڑے عالم ہیں تو ان سے پوچھ. انہ من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم فاقبل نافع نحو الحسین. اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ادب ہے کہ آپ نے یعنی جو مقام علمی تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا, اپنی طرف سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے سائل کو ادھر متوجہ کیا کہ تم وہاں حاضر خدمت ہو جاؤ. اب وہ متوجہ ہوا. فقال له الحسین, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا نافع. اب سوال تو سنا ہوا تھا, جواب دینے سے پہلے ایک تمہید بتائی, اور وہ تمہید بھی اصول فقہ کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کے اصول کا حصہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحثیت فقی اور اصولی, یہ حوالہ ہے. آپ نے فرمایا یا نافع انما ودا دینہ علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس. کہا جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے, آئی تھنک, میں یہ میری سوچ ہے, پرسنل تھاٹس ہیں, کہا جو دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے, یہ کون سا قیاس, اول من قاس ابلیس, مضموم قیاس جو کہ نس کے مقابلے میں ہو. آپ نے فرمایا جو دین کی بنیاد, کہ میں وہ مانوں گا جس کو میری عقل مانے گی ورنہ میں نہیں مانتا. فرما لم یزل الدہر فی الالتباس, وہ ساری زندگی شک میں ہی رہتا ہے, کبھی اس کو یقین نہیں ملتا, اس کو اپنے ہونے میں بھی شک ہی رہتا ہے, اور اس میں کہ اسے شک ہے اس میں بھی اسے شک ہی رہتا ہے. تو کہا ذرا جواب سننا ہے تو تیاری کرو اپنی, میں تمہیں جواب بتانے لگا ہوں. اور ایسے ہی آپ نے چند جملے اور بھی بولے, میں اختصار کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں. اب وہ بولنے کے بعد آپ نے فرمایا یبن الازرق, اے ابن ازرق, کیا خوب ہے, ایک ایک جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے, اور اتنی روشنی ہے علماء کے لیے, فقہا کے لیے. فرمایا پہلا جملہ, آصف الہی بما وصف به نفسہ, میں رب کی وہی شان بیان کرتا ہوں جو رب نے خود اپنی شان بیان کی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ادب ہے کہ ہم
होते कौन हैं कि अल्लाह की ज़ात का अपने लफ्ज़ों में तारुफ करवाएं। आपने ये रास्ता बताया कि जो उसने खुद अपना तारुफ करवा रखा है, मैं उस लिहाज से तारुफ करवाता हूँ। और साथ कहा वअर्रिफुहु बिमा अर्रफ बिही नफ्सहू, मैं अल्लाह की पहचान उससे करवाऊंगा उन लफ्जों से जिन लफ्जों से रब ने खुद अपनी पहचान कराई है। यहां भी आज कितने बाबे बेगुसले या सालाना गुसल करने वाले आरिफ बने हुए हैं कि हम मार्फत वाले हैं, हम मार्फत वाले हैं, और इन काले लफ्जों के अंदर मार्फत नहीं, मार्फत हमें पता है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इन्हीं लफ्जों से मार्फत बताई कि मैं अल्लाह की पहचान कुरान और सुन्नत से उन लफ्जों से जिनसे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हदीस कुदसी से और खुद आयात में जो मार्फत है मैं वो बताता हूं। आगे ला युद्रकु बिल हवास, अगर तू चाहे ना कि तेरी आंख से पता चल जाए कि रब कैसा है, तेरी कुव्वत लामिसा छूने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, ये कुव्वतें जो पांच तेरे पास हवासे जाहिरा की हैं, इनके जरिए तुझे पता चल जाए। फरमाया फिर बस कर ला युद्रकु बिल हवास, वो जात ही ऐसी है कि हमारे फाइव सेंसेस हवा से खमसा से कहीं बुलंद उसकी शान है। हमारे पास ऐसा ऐसे सोर्सेज नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम उसको पहचान सकें। और साथ कहा वला युकासु बिन्नास, ये भी बहुत बड़ा सबक है तौहीद बयान करने के लिए। वला युकासु बिन्नास का इब्ने अजरक, तू देखता है अपने आप को, तू देखता है लोगों को, तू देखता है आम इंसानों को, और इंसानों को देख के फिर तू समझना चाहता है कि बंदा सुनता है तो मौला कैसा सुनता है, बंदा देखता है तो अल्लाह कैसे देखता है। ये तू जो इदराक लोगों पर क्यास करके रब की शान पहचानना चाहता है तो ये भी दरवाजा बंद है, लोगों पर उसको क्यास नहीं किया जा सकता। वला युकासु बिन्नास। तीसरे नंबर पर करीबुन गैर मुल्तसिक, है शाह रग से भी करीब मगर कोई चीज उसको मस नहीं कर सकती, यानी उसकी जात क्योंकि जिस्म से पाक है तो उसके कुर्ब में इल्तिसाक नहीं, एक चीज का दूसरी चीज के साथ मिलना, क्योंकि ये चीजें इल्तिसाक वाली जिस्मानियत में होती हैं और वो जिस्म से पाक है। इसके बावजूद कि इल्तिसाक नहीं, यकीनन वो करीब है। वबईद गैर मुंतकिस, कहा वो दूर है मगर ऐसी दूरी के जिसमें नकस नहीं। मैंने कहा था ना कि हर लफज में बड़ी लंबी बात है, हम दूर हैं किसी से तो उसमें नकस है, दूर हैं लिहाजा पहुंचने में वक्त लगेगा, दूर हैं इसलिए जान नहीं सके कि हुआ क्या है, हम दूर थे हमें खबर नहीं मिली, हम मोहताज थे कि कोई बताता तो फिर हम पहुंचते, सवारी होती तो फिर आते, इत्तला होती तो फिर आते, अगर सेहतमंद होते तो फिर आते, अगर मसरूफ ना होते तो फिर आते। तो मेरे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा वो बईद भी है मगर इन सारे ऐबों से पाक है। बईद हो के भी कुर्ब वाली सारी बरकतें और सारी कुदरतें कुव्वतें अता फरमा देता है। युवाहदु वला युबादु, ये जो माकूलात में और इल्मे कलाम में हम तौहीद पढ़ते पढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये बाद वाले उलमा ने सब कुछ तैयार किया है, अब इमाम हुसैन की हुसैनियत बोल रही है जो यहां लिखा है,
तौहीद का खुतबा यह भी हर आलिम को देना चाहिए कि लोगों मैं तुम्हें हुसैनी तौहीद सुनाने लगा हूं। युवाहदो, उसे एक तो कहा जाता है कि वो वाहिद है, उसकी तौहीद है, लेकिन ला युबाद, उसके अज्जा नहीं है, उसके टुकड़े नहीं हैं। चूंकि अज्जा और टुकड़े होना जिस्म का तकाजा है, और जो जिस्म हो वो मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब हो वो हादिस होता है, जो हादिस हो वो फानी होता है, और जो फानी हो वो अल्लाह नहीं होता। फिर पलट के आते हैं, मारूफुम बिल आयात, का उसे जानना है तो आयात पढ़ो, उसे जानना है तो कायनात में फैली हुई उसकी निशानियां देखो। मौसूफुम बिल अलामात, देखो ना ये सूफी तसव्वुफ जो सही तसव्वुफ है कितना पहुंचा हुआ होता है। यानी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर के ये अल्फाज आरफे खड़ी अपनी जुबान में कैसे बताते हैं, कहते हैं वहदहु ला शरीक इलाही सिफता नाल सिंजापे, वहदहु ला शरीक इलाही सिफता नाल सिंजापे। यानी वैसे नहीं उसका पता चलता, उसकी सिफात देखो तो पता चलता है कि अल्लाह कौन है। तो कितना पुराना फलसफा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से चला और खड़ी शरीफ तक पहुंचा। क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे मौसूफुम बिल अलामात, ला इलाहा इल्ला हुवल कबीरुल मुताल। अब ये मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, जब आपने तौहीद पढ़ाई फबका इब्नुल अजरक, इब्ने अजरक रो पड़ा, तो यहां पर रो पड़ा खारजी, इब्ने अजरक रो पड़ा, कहता है या हुसैन, खारजी कहता है या हुसैन मा अहसना कलाम, क्या अंदाज है, क्या इल्म है, क्या खूबसूरत आपने तौहीद बयान की। बखील बड़ा बना हुआ था, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म के सामने बिल आखिर बुखल दम तोड़ गया और ये उसे कहना पड़ा। अब जिस वक्त वो अपने लेवल पे आ चुका था तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने चढ़ाई की उस पर, और ये भी उसूल मुनाजरा बयान किया कि किस तरीके से बात करनी है। अब चढ़ाई करते हुए आपने उस पे सवाल किया, आप कहते हैं फकाल अलहुल हुसैन बालागानी अन्नका तशहद वला अभी वला अखी बिल कुफ्र व अलैया, मुझे ये बात पहुंची है कि तुम मेरे अब्बा जान मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की माजल्ला तकफीर करते हो, उन्हें तुम काफिर कहते हो, मेरे भाई जान इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की माजल्ला तुम तकफीर करते हो और मेरी भी करते हो। फिर हौसला देखें इमाम हुसैन का, इतना बड़ा दुश्मन जिसने कुफर का फतवा लगाया हुआ है, फिर भी आते हुए उसको दो गालियां दे के फारिग नहीं किया, इल्म के जाम भर भर के पिलाए हैं। और इसके बाद फिर जो मसला था उधर से सरफे नजर भी नहीं किया कि कहता है तो कहता फिरे, आपने फरमाया अब शिकंजे में आया है, क्यों कहता है तू, क्यों तुमने कुफर का फतवा लगाया। अब उसने जवाब दिया, जवाब क्या था, सब गोल मोल था, यानी एक फंसा हुआ बंदा अपनी जान छुड़ाना चाहता था, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो उससे हक मनवाना चाहते थे। फकाल लहुल हुसैन इन्नी साइलू का अम मसला, अब मैं तुझसे मसला पूछता हूं। काल असल, उसने कहा पूछो। फसअलहु अन हाजिल आया, आपने इस आयत का मसला पूछा जो आगे आ रही है, सोलहवें पारे के आगाज में, वह अम्मल जिदार फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना थे, के दीवार थी दो यतीमों की शहर के अंदर और गिरना चाहती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की तरफ से
उस दीवार के लिहाज से उसको सीधा कर दिया गया। जब दीवार को सीधा किया तो आपने पूछा कौन था कि जिसकी वजह से यह काम हुआ, क्यों दीवार की हिफाजत की गई। जो बताया गया कि ये बच्चे जो हैं फकाना अबूहुमा सालिहा, इनके अब्बा जी साले थे और उनका खजाना दीवार में है, और अगर ये दीवार गिर गई तो छोटे होते हुए गिरी तो खजाना लुट जाएगा, बड़े हो जाए तो खजाना बच्चे बालिग होने के बाद लें। चूंकि उस साले बंदे के बच्चे हैं तो इनके लिहाज से इनके अब्बा जान को सामने रखा जाएगा। ये पूछा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि क्या रवैया अपनाया था, बेस क्या थी। अल्लाह के दो पैगंबरों ने यह एहतमाम क्यों किया था, किस बुनियाद पर उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। तो जवाब में उसने कहा, इब्ने अजरक ने, मन हाफिज फिल गुलामैन, इमाम हुसैन कहने लगे तो उसने कहा अबू होमा, ये सब कुछ उनके जाती वजह से नहीं हुआ, उनके अब्बा जी की वजह से हुआ, उनके अब्बा जी की वजह से हुआ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो बोल पड़े, यानी वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ पहले तो उनके खादिम थे और बाद में इकट्ठे होकर खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब चल रहे थे और सवालात पर पाबंदी थी लेकिन फिर भी सवालात हो रहे थे, ये इस मौका के अंदर कान अबूहुमा सालिहा, तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा अब मुझे बताओ, फअबूहुमा खैरुन अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो यतीम जो थे उनके नेक बाप का बड़ा मकाम है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम है। तो खारजी कहने लगा, अब फरार का रास्ता नहीं था, कहने लगा कद अम्बाल्लाहु ताला अन्नकुम कौमुन खासिमून, किस्मत में बदबख्ती थी और बिल आखिर लाजवाब होने पर भी ताना इमाम हुसैन को दे रहा था कि तुम तो झगड़ालू कौम हो, ये तुमने कब बस करनी है, बंद करनी है गुफ्तगू। तो इस बुनियाद पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस्तिदलालात कुरान पर मुश्तमिल हैं और आज उनसे ताल्लुक का तकाजा है कि हम भी अपनी औलादों को कुरान व सुन्नत का इल्म दें, उनके निजाम और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की और दीगर शुहदाए करबला रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपनी जान इस्लाम के लिए पेश की, हम इस इस्लाम के निजाम के लिए पैगाम के लिए अपना दिन रात वक्फ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।